जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भाई ये जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों यूक्रेन में तबाही मचा रही रूसी सेना ने दुनिया के संकट मोचक को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी ऑफिसर्स के मुताबिक क्यू के पास मौजूद एयरबेस को निशाना बनाया गया। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव AN-225 पार्क था। जब रूसी सैनिक यहाँ घुसे तो उन्होंने प्लेन को काफी नुकसान पहुँचाया। इस प्लेन को मिरिया नाम दिया गया था, जिसका मतलब सपना होता है। यूक्रेन ने कहा कि वह इस ऐतिहासिक विमान को फिर से बनाएगा। AN-225 के नाम पर 253,990 किलो पेलोड ले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आइए जान लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन AN-225 या मिरिया के बारे में। दोस्तों 290 फीट से ज्यादा चौड़े विंग्स वाला AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है। इसे 1980 के दशक में यूक्रेन SSR में डिजाइन किया गया था। उस वक्त अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर था। इस प्लेन को यूक्रेनी भाषा में मिरिया नाम दिया गया, जिसका मतलब सपना होता है। सबसे बड़ा प्लेन होने की वजह से यह काफी मशहूर है। दुनिया के एयर शोज में इसे देखने काफी भीड़ आती है। AN-225 यूक्रेन के लिए किसी धरोहर की तरह है। रूस के इसे निशाना बनाने पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बताया यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट AN-225 मिरिया था। रूस ने हमारे मिरिया को तबाह कर दिया, लेकिन वे कभी एक मजबूत स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूरोपीय देश के हमारे सपने को नहीं तोड़ पाएंगे, हम रहेंगे। AN-225 का डिजाइन बुरान स्पेस शटल को ले जाने के लिए तैयार किया गया था। जब 1991 में सोवियत यूनियन बिखरा तो बुरान प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। इसके बाद एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारी सामान ढोने में होने लगा। विमान ने अपनी पहली उड़ान 1988 में भरी थी। हाल के दिनों में इसका इस्तेमाल आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने में होता रहा, और महामारी के दौरान AN-225 से मेडिकल सप्लाई भी की गई। दुनिया में केवल एक ही AN-225 प्लेन है, इसे क्यू की कंपनी एंटोनो ने बनाया था। वहीं वॉर जोन में सुरक्षा की गारंटी बना भारत का झंडा। इंडियन फ्लैग को रूसी यूक्रेनी सैनिक देखते ही गोलीबारी रोक दे रहे हैं और जाने का रास्ता दे रहे हैं। दोस्तों यूक्रेन गंभीर संकट से जूझ रहा है। रूसी हमलों ने वहां पर भीषण तबाही मचा रखी है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिक भी इन सब में उलझ गए हैं। भारत की ओर से इन छात्रों की निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वॉर के बीच बंद हो चुकी हवाई उड़ानों के कारण समस्या आ रही है। ऐसे में भारत के छात्रों को वहां से सेफली निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। इसके तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों की मदद से भारतीय छात्रों को वापस बुलाया जा रहा है, और इंडियन एम्बेसी की ओर से कहा गया है कि भारतीय छात्र जब भी बाहर निकलें तो वे तिरंगा लगाकर रखें। भारत से हजारों किलोमीटर दूर युद्धग्रस्त देश में भी तिरंगे को सम्मान मिल रहा है। ऐसी कई वीडियो सामने आई है जिसमें तिरंगा लगी गाड़ी देख यूक्रेनी व रूसी सैनिक गोलीबारी रोक देते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय छात्रों को रास्ता भी दिखाया जा रहा है। भारत लौटे छात्रों का भी कहना है कि तिरंगे की वजह से वे सुरक्षित वापस लौट सके हैं। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी के बैटल टैंक्स T-90 के कमांडर साइड में सुधार करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ 1,075 करोड़ रुपए के करार पर सिग्नेचर किए हैं। एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि 957 टैंकों में सुधार रेट्रो मॉडिफिकेशन किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट टोटल 1,075 करोड़ रुपए का है। इसमें कहा गया है कि इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट IRDE, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बेल द्वारा मिलकर स्वदेश में विकसित थर्मल इमेजर बेस्ड कमांडर साइट सफलतापूर्वक बनाए जाने से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया है कि थर्मल इमेजर आधारित कमांडर साइट का प्रदर्शन पहले के कमांडर साइट की तुलना में बेहतर है, और इससे इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के रास्ते खुलेंगे। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से यूक्रेन वॉर के समय न्यूट्रल रहने का फैसला किया है, और पिछले एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है जब भारत ने चीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहा है। हालांकि भारत ने यूक्रेन और रूस के बीच होने वाली मीटिंग का स्वागत किया है। दोस्तों यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रूस की आक्रामकता को लेकर फिर से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यूक्रेन संकट पर स्पेशल इमरजेंसी सेशन बुलाए जाने पर वोटिंग की गई, लेकिन भारत एक बार फिर से वोटिंग से दूर रहा। भारत के अलावा चीन और संयुक्त अरब अमीरात भी वोटिंग से दूर रहे। यहां तक कि नई दिल्ली ने बेलारूस में बातचीत आयोजित करने के मॉस्को और क्यू के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन 11 वोट के साथ यूक्रेन मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का दुर्लभ सत्र बुलाने का फैसला किया गया है।
वहीं 1982 के बाद ये पहला मौका है जब यूएनएससी ने स्पेशल इमरजेंसी सेशन के लिए मामले को यूएनजीए में भेजने का फैसला किया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर से यूक्रेन मुद्दे पर बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की कोशिश की और यूएनएससी में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा, हम यूक्रेन संकट पर हिंसा और दुश्मनी का फौरन अंत करने की बात को दोहराते हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया है। भारतीय रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि हम बेलारूस सीमा पर दोनों पक्षों की तरफ से की गई बातचीत की घोषणा का स्वागत करते हैं और हम बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं जो अभी भी यूक्रेन संकट के बीच फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया, सीमा पर हालात बहुत खराब है और यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में दिक्कत हुई है और हमने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए वोटिंग से परहेज करने का फैसला किया है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने कहा कि भारत की ओर से एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद से लगभग 8000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अब तक लगभग 1400 भारतीय नागरिकों को लेकर 6 उड़ानें भारत आ चुकी हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से 4 उड़ानें और बुडापेस्ट हंगरी से 2 उड़ानें आई है। अर्दिम बागची ने कहा, हमारे पास मोल्दोवा के माध्यम से एक नया मार्ग है, यह अब शुरू हो गया है। हमारी टीम आपकी सहायता करेगी, रोमानिया के माध्यम से भारतीयों को निकालने में सहायता करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मोल्दोवा में निकासी प्रोसेस की भी देखरेख करेंगे। भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इंडियन एयरफोर्स की मदद लेंगे और हम मेडिसिन के साथ मानवीय सहायता भी यूक्रेन भेजेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल डिफेंस एनालिसिस पर मिल जाएगी। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।